बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीक का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था आज 28 सितंबर 2020। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया है, सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव में गए हैं और किन में गिरावट ज्यादा आई है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स, जिसमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले बोर्ड मीटिंग्स हैं, पे आउट्स वगैरह है, उसको एक नजर देखेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक रिव्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, थैंक यू। केसी 100 इंडेक्स जो है आज 960 पॉइंट्स कमी के साथ 40,740 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 2.30% आज डाउन गया इंडेक्स। ओपनिंग जो दी थी सुबह 41,723 के लेवल पे दी थी और थोड़ा सा पॉजिटिव भी हुआ था 41,785 के हाई के साथ। तकरीबन 84 पॉइंट्स जो है वो अपसाइड पे गई थी मार्केट, लेकिन उसके बाद जो है वो नेगेटिव सेशन में ट्रेड होती रही। और स्पेशली जब 2:30 बजे के बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब की न्यूज़ आई है उनकी अरेस्ट की, तो उसके बाद एक ज़बरदस्त किस्म का पैनिक सेलिंग देखी गई है और अपना जो लो इंडेक्स ने लगाया है वो 40,646 के लेवल तक आज गई है। 1,056 पॉइंट्स की आज डिक्लाइन देखा गया इंट्राडे में 2.53%। एंड पे जो है वो तकरीबन एंड पे जो है वो 100 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ 960 पॉइंट्स की कमी के साथ 40,740 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम जो है वो 282 मिलियन शेयर्स के लगे हैं। 274 मिलियन शेयर्स जो है वो 5 डे की एवरेज है। फ्राइडे की नस्बत भी कम वॉल्यूम थे, फ्राइडे को जो है वो 314 मिलियन शेयर्स जो है वो ट्रेड हुए। स्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ छः स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे आज के सेंट्रल इंडेक्स के। 90 स्क्रिप्ट आज डाउन थे जबकि 4 स्क्रिप्ट में अनचेंज देखा गया है। सेक्टर्स की अगर देखें तो आज तकरीबन ऑलमोस्ट सारे बड़े सेक्टर जो है वो नेगेटिव में गए। कमर्शियल बैंक 227 पॉइंट्स नेगेटिव, सीमेंट 137 पॉइंट्स, फर्टिलाइजर ने 75 पॉइंट्स निकाले, टेक्सटाइल कंपोजिट ने 59 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 57, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग भी 56, केमिकल 53, पावर जनरेशन 46 और फार्मास्यूटिकल 43, ऑटोमोबाइल असेंबलर ने भी 32 पॉइंट्स निकाले हैं। तो तकरीबन सेक्टर जो है वो आज सारे ही नेगेटिव गए। अगर कंपनीज की अगर बात करें तो HBL ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लूज़ किए हैं इंडेक्स से 78 पॉइंट्स, माड़ी पेट्रोलियम ने 46, बैंक अल हबीब ने 43, एंग्रो कॉरपोरेशन ने 37, हब पावर कंपनी लिमिटेड ने भी 35, UBL ने 33, मेपल लीफ ने 28, DG खान सीमेंट ने 26 पॉइंट निकाले, FFC 22 और MCB की तरफ से भी 22 पॉइंट्स निकले हैं। पॉजिटिव साइड्स पे आज TRG जो है वो उसने 6 पॉइंट्स ऐड किए हैं और EFU जनरल इंश्योरेंस ने 2, मिल्लत चक्टर की तरफ से भी इंडेक्स में 2 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे तो कोई खास नहीं है। वुलन सेक्टर आज 6.33% अप था, लीजिंग कंपनीज 0.63 और लेदर सेक्टर जो है वो 0.47% अप साइड पे था। तो बाकी तकरीबन आज पूरी मार्केट सेक्टर जो है वो डाउन गया है। सबसे ज़्यादा रिफाइनरी सेक्टर डाउन गया है 7.50%, फिर केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 4.72%, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 4.44% डाउन था, केमिकल 4.10, सीमेंट्स भी 3.78, ऑटोमोबाइल असेंबलर 3.50, इंजीनियरिंग सेक्टर 3.46, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 2.92, टेक्नोलॉजी भी 2.85% डाउन, पेपर एंड बोर्ड 2.79, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग भी जो है वो 2.72% जो है वो डाउन गए हैं। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स जो है वो 600 पॉइंट की कमी के साथ 29,013 पे क्लोजिंग हुआ है, 2.10% डाउन था 407 मिलियन वॉल्यूम के साथ। KSE 30 इंडेक्स भी 354 पॉइंट्स की कमी के साथ 17,251 पे क्लोजिंग दी है, 2.01% डाउन साइड पे गया है 173 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीज़ान का 30 इंडेक्स में भी 1400 पॉइंट्स की कमी आई है, 2.11% कमी के साथ 65,157 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है 162 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीज़ान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है 513 पॉइंट्स की कमी के साथ 20,276 पे क्लोज हुआ है, 2.47% ओवरऑल डाउन था इंडेक्स 238 मिलियन वॉल्यूम के साथ। UBL का ETF है उसमें भी 219 पॉइंट्स की गिरावट आई है, 1.85% कमी के साथ 11,631 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है तकरीबन 10 मिलियन वॉल्यूम के साथ।
एनआईटी का जो ETF है उसमें भी 149 पॉइंट्स की कमी आई है, 1.66% कमी के साथ 8836 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 13 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं, मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स हैं, वो चेक करते हैं। तो वॉल्यूम लीडर्स में से हैस्कोल टॉप पे है 49 मिलियन वॉल्यूम के साथ, 6.44% डाउन गया आज। TRG पाकिस्तान में 34 मिलियंस का आज काम हुआ है, 1.13% अपसाइड पे था। के इलेक्ट्रिक में 29 मिलियंस 0.24% डाउन। यूनिटी फूड में 21 मिलियंस 2.84% डाउन। बायको पेट्रोलियम 16 मिलियन वॉल्यूम के साथ 7.81% डाउन। PIBTL 5.78% डाउन था 15 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। आयशा स्टील भी 13 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 1.62% डाउन था। मेपल लीव सीमेंट्स भी 6.66% आज डाउन साइड पर गया है, 12 मिलियंस का इसमें काम हुआ है। बैंक ऑफ पंजाब में 11 मिलियंस का आज काम हुआ है, 1.02% डाउन था। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन में भी 11 मिलियंस का तकरीबन काम हुआ है और ये 4.19% ये डाउन साइड पर गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स हैं उसमें टॉप पे जो है वो JK स्पिनिंग मिल्स था, 7.50% अप था। इत्तेफाक आयरन जो है वो 7.48%, अर्शद एनर्जी 7.25%, भवानी एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड 7.03%, ड्रैकर्स किंग्सवे लिमिटेड 3.73%, अल्टन एनर्जी 3.13% अप था। यूनिकैप में दारबा 3%, ऑरिक्स में दारबा 2.67%, EFGH 1.94%, TRG पाकिस्तान भी 1.13% आज अपसाइड पे था। वॉल्यूम सबसे ज़्यादा TRG में लगे हैं तकरीबन 34 मिलियंस के, इत्तेफाक आयरन में दूसरे नंबर पे था 4.92 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। आज के जो टॉप 10 लूजर्स हैं उसमें टॉप पे जो है फर्स्ट पाक मुदारबा है, 15% डाउन था ये। मुदारबा अलमारी भी तकरीबन 10% आज डाउन साइड पर गया है। परवेज अहमद कंसल्टेंसी जो है वो 9.62% डाउन। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन 9.47%, हीरा टेक्सटाइल 9.34%, फ्लाइंग सीमेंट 8.65%, फर्स्ट पैरामाउंट मुदारबा भी 8.50% डाउन था। दीवान सीमेंट्स 8.15%, मीडिया टाइम्स लिमिटेड 8%, जबकि अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स भी 8% आज डाउन साइड पर था। वॉल्यूम्स की बात करें तो DCL सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आए हैं लूजर्स में से 2.31 मिलियंस के, जबकि परवेज अहमद कंसल्टेंसी दूसरे नंबर पे था 1.14 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट इवेंट्स पे चलते हैं। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग्स देखते हैं। बनेरो टेक्सटाइल मिल्स का एनुअल रिजल्ट है कल 10 बजे। ऑरिक्स लीजिंग पाकिस्तान लिमिटेड इसका भी 10 बजे कल रिजल्ट है एनुअल। ब्लेस्ट टेक्सटाइल मिल्स का भी एनुअल रिजल्ट है 11 बजे कल। फर्स्ट UDL मुदारबा 11 बजे अपना रिजल्ट अनाउंस करेगा। JK स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट है कल सुबह 11 बजे। रिलायंस वीविंग का भी कल 11 बजे फुल ईयर का रिजल्ट है। फैक्टो सीमेंट्स भी अपना 11:30 बजे एनुअल रिजल्ट अनाउंस करेगी। शादाब टेक्सटाइल मिल्स का 11:30 बजे कल रिजल्ट है। फैसल स्पिनिंग मिल्स की बोर्ड मीटिंग कल 12 बजे है। यूनाइटेड ब्रांड्स लिमिटेड का भी 2 बजे इनकी मीटिंग है। इसलैंड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का भी कल 2:30 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। फर्स्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड का भी जो है वो 3 बजे कल बोर्ड मीटिंग है। पायोनियर सीमेंट्स भी अपना एनुअल रिजल्ट कल 3 बजे अनाउंस करेगा। सेल्फी टेक्सटाइल मिल्स का एनुअल रिजल्ट कल 3:30 बजे है। शम्स टेक्सटाइल मिल्स का भी कल 3:30 बजे एनुअल रिजल्ट है। फर्स्ट नेशनल बैंक मुदारबा भी अपना एनुअल रिजल्ट कल 4:00 बजे जो है वो अनाउंस करेगा। पे आउट जो है वो सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड्स मिल्स का अवेलेबल है 1.5 रुपया पर शेयर और साथ में 20% बोनस है। 1 अक्टूबर को ये एक्स हो जाएगा, शरीय कंप्लाइंट ये नहीं है। GOC पाकिस्तान लिमिटेड का 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है, 5 अक्टूबर इसकी एक्स डेट है, शरीय कंप्लाइंट है। इंटरलूप लिमिटेड का भी 1 रुपया पर शेयर का डिविडेंड अवेलेबल है, 6 अक्टूबर इसकी एक्स डेट है, शरीय कंप्लाइंट है। गुड लक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 3.30 रुपये का डिविडेंड है, शरिया कंप्लाइंट है, 7 अक्टूबर को एक्स हो जाएगा। हिनोपाक मोटर्स के 100% राइट्स है, 7 अक्टूबर को ये भी एक्स हो जाएंगे, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। आदम जी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का 1.25 रुपये का डिविडेंड अवेलेबल है, 8 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, शरिया कंप्लाइंट नहीं है। MCB RF हबीब सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स बैंक लिमिटेड का भी जो है वो तकरीबन 2.25 रुपये का डिविडेंड अवेलेबल है, 8 अक्टूबर इसकी एक्स डेट है, शरीय कंप्लाइंट ये नहीं है।
तो रिजल्ट्स जो है वो आज भी अनाउंस हुए हैं। तो सबसे पहला जो रिजल्ट था वो आज का OGDCL का था, फुल ईयर का OGDCL ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया और फोर्थ क्वार्टर में 3.83 रुपये की अर्निंग दी है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 7.59 रुपये की अर्निंग थी। तो OGDCL की जो फुल ईयर की अर्निंग बनती है वो 23.27 रुपये की बनती है। पिछले साल जो है वो 27.53 रुपये की अर्निंग थी। पे आउट भी साथ अनाउंस किया है 2.5 रुपये पर शेयर डिविडेंड। गुलेमत टेक्सटाइल्स मिल्स का भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 2.93 रुपये के लॉस आया है इनका। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.82 रुपये की अर्निंग थी। तो टोटल इनका जो इस साल का लॉस है वो 1.12 रुपये का है। पिछले साल इनकी अर्निंग थी 8.44 रुपये की। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। अगला जो था वो ओरिक्स मुदारबा का फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में इसने 82 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.14 रुपये की अर्निंग थी। तो अगर टोटल इनकी अर्निंग देखें तो 2020 में 2.81 रुपये की आई है। पिछले साल जो है वो 2.78 रुपये की अर्निंग थी। डिविडेंड भी साथ अनाउंस किया है 2.5 रुपये पर शेयर। SPL का भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 1.5 रुपये की अर्निंग दी है। पिछले साल जो है वो 5 पैसे की अर्निंग थी लास्ट क्वार्टर में। तो टोटल जो है वो 2020 में जो इनकी अर्निंग आई है वो 1.35 रुपये की आई है। पिछले साल जो है वो 3.76 रुपये की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। नेक्स्ट जो रिजल्ट था वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का था। फुल ईयर का इनका रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 8.21 रुपये का इन्होंने लॉस डिक्लेयर किया है। पिछले साल इनका सेम क्वार्टर में 5.14 रुपये की अर्निंग थी। तो इस तरह फुल ईयर की जो इनकी अर्निंग आई है 2020 में वो 8.18 रुपये की आई है। पिछले साल जो है वो 14.25 रुपये की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। ईकॉप पाकिस्तान लिमिटेड का भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 1.35 रुपये की अर्निंग आई है इनकी। पिछले साल जो है वो 3.33 रुपये की अर्निंग थी। तो इनका जो 2020 में टोटल लॉस में गई है, टोटल लॉस जो है वो 2.72 रुपये पर शेयर रहा है। पिछले साल इनकी 1.96 रुपये की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। प्रीमा का भी आज फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 13 पैसे की इसने अर्निंग दी है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 52 पैसे की अर्निंग थी। तो टोटल 2020 में जो इनकी अर्निंग आई है वो 34 पैसे की आई है। 2019 में 1.59 रुपये की इनकी अर्निंग थी। पे आउट में इन्होंने बोनस अनाउंस किया है 10%। शाताज टेक्सटाइल का भी जो है वो फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में इन्होंने भी लॉस रिपोर्ट किया है 3.84 रुपये का। पिछले साल जो है वो इनकी अर्निंग आई थी 9.38 रुपये की। तो इस तरह फुल ईयर की जो इनकी अर्निंग इस दफ़ा आई है वो 7.51 रुपये की आई है। लास्ट ईयर इनकी 19.47 रुपये की अर्निंग थी। डिविडेंड भी साथ अनाउंस किया है 4 रुपये पर शेयर। तो इंडेक्स ने जो है वो आज एक वाइड स्प्रेड की बिरिश कैंडल बनाई है और अपनी जो ये 3 सपोर्ट्स थी उसको ब्रेक किया है। तो फ्राइडे को इसने जो है वो अपनी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था और आज इसने जो है ना ये 3-4 सपोर्ट्स जो थी वो उसको एकदम ही जो है आज के दिन ब्रेक किया है। तो इंडेक्स के पास अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट्स के लेवल्स हैं वो 40,500 है और 40,300 और फिर 39,900 पे जो है वो इंडेक्स के पास सपोर्ट है। 40,400 पे जो है वो एक फिबोनाची का लेवल भी है 5.50%। तो वो भी देखते हैं कि ऑर्डर होता है कि नहीं होता। रेजिस्टेंस लेवल पे जो है वो 40,800 होगी, 41,100, 41,300 और 41,600 की जो है वो ऊपर इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो EMA 10 जो है वो 41,800 पे है, EMA 50 40,300 पे, यानी कि जो अभी नज़दीक तरीन मूविंग एवरेजेस है इंडेक्स के पास वो EMA 50 ही है। EMA 20 को आज ब्रेक कर दिया था 41,700 पे जो है वो EMA 200 है, EMA 20 है। EMA 100 जो है वो 38,700 पे और EMA 200 जो है वो 38,100 के लेवल पे है। अगर इंडेक्स की RSI देखें तो RSI भी जो है वो 39 पे आ चुकी है।